खोलो इसको। खोलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीव सिंह ब्लॉग में। और एक बार फिर से वी केयर की फैमिली आ गई है गौशाला में, और गौ माता को रोटी और मीठा गुड़ खिलाने वाले हम लोग। आप भी हमारे साथ बने रहिए, और जहाँ रहिए अच्छे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और माता रानी आप पे कृपा बनाए रखेंगी। और आज हमारे साथ है रोहित भाई और एक और भाई है। भाई का नाम, आपका नाम क्या है? अंश भाई है आज हमारे साथ। अंश भाई, आज हम खिलाने वाले हैं गौ माता को रोटी गुड़। बिल्कुल भाई, ठीक है? तो सपोर्ट करते रहो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। हेलीकॉप्टर राकेश टाऊ, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बच्चों के लिए मेरे रखते हो? हाँ हाँ, चलो। कहाँ पे? बिल्कुल आइए, ऐसे लपेट के खिलाएं। आ जाओ आ जाओ, एक एक करके खिलाऊंगा तुम। अच्छा ऐसे? हाँ, ऐसे भाई खिला रहे ना। हम्म, और बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है गौ सेवा करने का। तो आज हमें वी केयर फैमिली को ये मौका मिला है। तो आप भी देख रहे हैं हमारे साथ संजीव सिंह ब्लॉग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में लिख के जय माता दी। और आप भी जहां भी रहें लोगों की सेवा करते रहें। इसको भी इतनी खिला दो, खा जाएगी। थोड़ा सा डर भी लग रहा है। एक बार में थोड़ा सा आ जाओ। और अंश भाई हमारे साथ हमारी हेल्प कर रहे हैं खिलाने में। लो आ जा, एक और दरार। ओ गिर गया, नीचे गिर गया। मारेंगी तुम्हें ना? नहीं नहीं, मैं खड़ा तो हूँ आपकी सारी। अच्छा सारी आगे हाथ में ले लो एक बार। रोहित उसमें वो भी पड़ा है, दिखाइए। नीचे गिर गया वो, खा जाएगा वो सब। खा जाएगा, हाँ खा जाता है उसको, गुड़ दे दो, खा जाएगा वो। आ जाओ बच्चों को खिलवा दो। चलो आ जाओ आ जाओ। वो खा लेगी वो बच्चों के पीछे। कौन सा? ये अरे कहाँ रहते हो भाई? यहीं पे रहते हैं, सागरपुर में रहते हैं। गुड़ गिर जा रहा है नीचे, खा जाएंगे।
और एक काफी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के, एक अलग ही आनंद आ रहा है गौ सेवा करके। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वी केयर की फैमिली गौशाला में आके गौ माता की सेवा करने का, रोटी और गुड़ खिलाने का मौका मिला है। और हमारे साथ हमारी मदद कर रहे हैं अंश भाई हैं। तो आप भी जहाँ भी रहें वहाँ पे सेवा करते रहें। और आज हमारे साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे रोहित भाई भी आए हैं। रोहित भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आशा करते हैं कि हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और आगे हम सोच रहे हैं कि बंदरों को केला खिलाने के लिए जाएं, जो कि बापू धाम के पास तो हम पहले भी गए हुए हैं वी केयर के साथ। तो आप भी जहां रहें आसपास में सफाई रखें और गौ सेवा करते रहें। काल्टी, और इसका नाम है काल्टी, छोटा सा बछड़ा है, बछिया है। बछिया उसकी माँ की माँ भी यहाँ था। अच्छा, मतलब दादी। गुदा खा रही है ना? दिखाना एक बार। और वी केयर फैमिली मेंबर आ चुके हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गौशाला में। और अभी हमने गुड़ और रोटी खिलाया, जिसमें हमारे साथ थे अंश भाई थे और ये रहे हमारे रोहित भाई। और अभी हम सबसे बात करेंगे कैसा फील हो रहा है सभी को। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीव सिंह ब्लॉग में। और काफी खुशी मिल रही है क्योंकि आज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, हम लोगों ने गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाया था और थोड़ा सा मट्टी भी था जो कि विकास भाई की तरफ से था, जिन्होंने ये बनाया था, रोटी बनाया था, उन्हीं की तरफ से मट्टी भी था। और आज आए हैं हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट टाइम रोहित भाई, और इनसे पूछेंगे कि रोहित भाई कैसा लग रहा है आपको? तो जय श्री राम भाइयों को। तो आज मेरे को भाई के साथ गौशाला में जाने का प्राप्त हुआ, तो जिससे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और गायों, सारे गायों को हमने खाना खिलाया, रोटी खिलाया, गुड़ खिलाया, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। और पूरे वी केयर फैमिली का थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ कि वो उनके सपोर्ट से हम हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे दोस्तों। तो आप भी हमें प्यार बनाए रखें और संजीव सिंह ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो बोलते रहिए जय श्री राम, राधे राधे, और जय श्री राम दोस्तों।